वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों के नॉट में फिजियोलॉजी की टीचर हूँ और ये आप लोगों के नोट्स हैं, आप लोगों ने इस तरह के लेने हैं। इसमें आप लोग आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13 पे आप लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगी, जहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले इस बुक का नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो मतलब इसमें हम सारा एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में सारा पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटॉमी बेसिकली क्या होता है तो हम लोग पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, एनाटॉमी इधर लिखा हुआ है पेज नंबर 13 पे। सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन प्रॉपर मेंशन की हुई है एनाटॉमी की। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी बेसिकली स्टडी, एनाटॉमी में हम सारा कुछ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह, वो बनी किस तरह हुई है। द वर्ड एनाटॉमी इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। एनाटॉमी दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है ना, जिसका मतलब है अपार्ट और टॉमी मीन्स टू कट। सो इट मीन्स टू स्टडी बाय कटिंग अपार्ट, दैट इज बाय डाइसेशन, जो डाइसेशन करके हम पढ़ते हैं। एनाटॉमी बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एनाटॉमी बेसिकली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। एनाटॉमी जो हमसे दो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जिस एक है एना, दूसरा है टॉमी। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एना भी एक ग्रीक वर्ड है, टॉमी मीन एक ग्रीक वर्ड है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एना टॉमी बना है। अब एना का मतलब क्या है, टू कट, और टॉमी मीन्स अपार्ट। ठीक है, एनाटॉमी बेसिकली है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की। तो ऐसी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको कट करके पढ़ा जा सके, बाय डाइसेक्शन पढ़ा जा सके, वो सारा एनाटॉमी में आता है। वो सारी स्टडी कौन सी है, एनाटॉमी में आती है। तो बेसिकली एनाटॉमी कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड्स का, एना मीन्स टू कट एंड टॉमी मीन्स टू पार्ट, मतलब कट करके स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करना एनाटॉमी में आता है। उसके बाद अगर उन्होंने दूसरी टर्म दी हुई है, वैसे जनरल टर्म दी हुई है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन लिखी है, ह्यूमन एनाटॉमी इज साइंस कंसर्नड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी, एनाटॉमी तो था स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी बाय कटिंग या बाय डाइसेक्शन। तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब क्या होगा, कि ऐसी स्ट्रक्चर की स्टडी जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर हो। ह्यूमन वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब है ह्यूमन के स्ट्रक्चर की स्टडी को ह्यूमन एनाटॉमी कहा जाता है। ह्यूमन इसी तरह अगर इधर मेंशन अगर ह्यूमन एनाटॉमी है, तो हम जितनी भी आप लोगों के सिलेबस में एनाटॉमी होगी वो सारी ह्यूमन की होगी। इसी तरह प्लांट एनाटॉमी भी होती है, इसी तरह एनिमल एनाटॉमी भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ह्यूमन एनाटॉमी की टर्म इसलिए दी है कि आपने सारी आगे से ह्यूमन एनाटॉमी ही पढ़नी है। ऐसी एनाटॉमी जिसमें ह्यूमन के स्ट्रक्चर को लेकर बात की जाए, कि ह्यूमन के स्ट्रक्चर के अंदर उसका किडनी कहाँ पे, उसका हार्ट कहाँ पे, उसका लीवर कहाँ पे, ये सारी एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी में आती है। कि इंसान के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो सारी ह्यूमन एनाटॉमी में आती है। उसके बाद उन्होंने वैसी दो लाइंस दी हुई हैं फिजियोलॉजी की, थोड़ी सी एक सेंस देने के लिए कि फिजियोलॉजी का आपकी बुक पे पहले पेज पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। द साइंस ऑफ फिजियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द फंक्शन ऑफ द बॉडी। के एनाटॉमी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, एनाटॉमी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है, इसमें सारा एनाटॉमी में हम सारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में फंक्शन की बात करेंगे, बॉडी के फंक्शन की। अगर हम इधर लीवर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि लीवर के अंदर क्या क्या होता है, किस किस चीज़ से बना, तो इधर हम लोग देखेंगे कि लीवर का काम क्या है, लीवर क्या क्या काम करे। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एक उसकी साख्त उसके स्ट्रक्चर की बात करती है और एक उसके काम और उसकी फंक्शन के बारे में सारे डिटेल में बताती है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों बायोलॉजी की सब डिविजन्स हैं। आगे अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले हमने एनाटॉमी पढ़ा, एनाटॉमी के बाद ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी के बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। आपके सिलेबस में थोड़ी ही मेंशन, आप लोगों के सिलेबस में 8 मेंशन है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, हम वन बाय वन सारी पढ़ेंगे, मैं वैसे आपके नेम मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो होती है जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप पढ़ें, नेक्ड आई से पढ़ें। इधर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसका सेकंड नेम इन्होंने दिया है ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को और हम क्या कह सकते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ग्रॉस एनाटॉमी तो अभी हमने कभी कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप लोग को याद हो कि ग्रॉस एनाटॉमी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का सेकंड नेम है। ठीक है, क्या इधर डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेक्ड आई विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। कि विदाउट माइक्रोस्कोप,
माइक्रोस्कोप की एब्सेंस में अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एनाटॉमी पढ़ें तो वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आ जाता है। विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप हम अपनी नंगी आंख से देखें, जिस नंगी आंख से हम लोग स्टडी करें, वो सारा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आ जाता है, जिसका सेकंड नेम है ग्रॉस एनाटॉमी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 14 पे आ जाए, उस पर अगर सेकेंड ब्रांच उन्होंने डिस्कस की हुई है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या आप लोगों को नेम से शो हो रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप यूज करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसी एनाटॉमी, इन दिस ब्रांच वी स्टडी दी स्ट्रक्चर विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिक आप लोगों को नेम से शो हो रहा है कि इसमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया गया, कि ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग ऐसी एनाटॉमी, ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी हम पढ़ें जो माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब हम लोग अगर बॉडी पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता कि लीवर कहाँ है हमारा, कहाँ हार्ट कहाँ है हमारा, ये कहाँ है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स देखें तो उससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम लीवर को माइक्रोस्कोप से देखें तो हम लीवर के अंदर की चीज़ें बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। तो ये सारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर जो माइक्रोस्कोप के थ्रू होता है, हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये भी एनाटॉमी की ब्रांच है, ऐसी एनाटॉमी, इसमें हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स ऑफ टिश्यू डेट मेक ह्यूमन बॉडी। हमारी इन ह्यूमन बॉडी जो सी है टिश्यू से बनी है, बेसिकली सेल से बनी है। जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, वो अलग बात है, ठीक है, वो डिफरेंट एक लेक्चर है। तो टिश्यू की हम बात करें, हमारे जिस्म के जितने भी टिश्यूज के स्ट्रक्चर की जितनी भी स्टडी है, जितनी भी हमारे टिश्यूज की एनाटॉमी है, वो सारी की सारी हिस्टोलॉजी में आती है। हिस्टोलॉजी के लिए आप लोग को एक वर्ड याद रखना है टिश्यू। हिस्टोलॉजी के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है टिश्यू। जब भी आपको हिस्टोलॉजी की ब्रांच का जिक्र किया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले टिश्यू का वर्ड आना चाहिए। टिश्यू के स्ट्रक्चर की जितनी भी एनाटॉमी होगी वो सारी की सारी हिस्टोलॉजी होगी। उसके बाद फोर्थ ब्रांच है आप लोगों की साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट। साइटोलॉजी से आप लोगों ने याद रखना है सेल, ठीक है। एनाटॉमी की वो ब्रांच जो सेल और उसके इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गेनेलिस का जिक्र करे, उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं सेल्स, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी जो है ट्रिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। उस सेल के स्ट्रक्चर की, कि उसके सेल की बाउंड्रीज क्या है, उसके सेल के इंटरनल ऑर्गन्स क्या है, वो सेल बना किस चीज़ से, ये सारा स्ट्रक्चर जितना भी हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, वो सारा साइटोलॉजी में आ जाएगी, ठीक है। ये फोर्थ ब्रांच है एनाटॉमी की साइटोलॉजी, इसमें सारे सेल और इसके कंपोनेंट्स की बात की जाएगी। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। फिफ्थ ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी निकला हुआ है वर्ड एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो होता है अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, सबसे पहले जो बनती है हमारे जो जानदार का सबसे पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट का, वो एम्ब्रियो होता है, अर्ली स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट। अगर हम एग्जाम्पल्स देखना चाहें कि अर्ली स्टेज कैसे हो सकती है, अगर ह्यूमन्स की बात की जाए तो अर्ली स्टेज जो होती है मदर यूट्रस के अंदर होती है अर्ली स्टेज। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो सा हो गया ना बेबी, उसको एम्ब्रियो कहेंगे। मतलब मदर यूट्रस के अंदर या एग के अंदर जो स्टेज होगा, सबसे पहला स्टेज होगा, या फिर सीड्स के अंदर स्टार्टिंग होती है डेवलपमेंट, तो वो सारे एम्ब्रियो है ना। स्टार्टिंग डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज है ना एम्ब्रियो, उसकी जितनी भी स्टडी होगी, उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे कि उसके अंदर दिल कितना है, उसका साइज वगैरह, सारा स्ट्रक्चर जितना भी होगा, वो सारी एनाटॉमी जो होती है एम्ब्रियोलॉजी में आएगी, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी का लिखा हुआ इट इज ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, कि वो जो एम्ब्रियो की स्टडी करें, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की स्टडी करें, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इधर एम्ब्रियोलॉजी की उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एम्ब्रियो की लिखी हुई है, अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, एक जानदार, ठीक है, अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान या एनिमल इन एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसका सबसे पहला स्टेज डेवलपमेंट का, आइदर इन इट्स मदर यूट्रस या वो माँ के पेट के अंदर हो, और इन एन एग या एक अंडे के अंदर हो, और अ प्लांट डेट इज डिवेलपिंग इन अ सीड या एक पौधा जो सीड में बन रहा हो, इस कार्ड एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। सबसे अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहाँ, मदर यूट्रस में, एग के अंदर या सीड के अंदर, ठीक है। उसके बाद है उसकी सिक्स्थ ब्रांच सरफेस एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, सरफेस से आपको प्रॉपर आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि
बाहर से जो नजर आ रहा हो, ठीक है। इट इज इन दिस ब्रांच सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टडीड इन रिलेशन टू डीपर पार्ट्स, कि इसमें हम ह्यूमन बॉडी के सरफेस को पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू डीपर पार्ट्स, उसके अंदर वाले पार्ट्स को नहीं, सरफेस एनाटॉमी को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसी से हमें इस सारी का पता चलता है, ठीक है। हिंस इट अनेबल अस टू लोकेट द इंटरनल और स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ये हमें काबिल बनाता है कि हम बॉडी की सर्फेस देख के हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स को बता सकते हैं कहाँ कहाँ पड़ा है। अगर हमने सर्फेस एनाटॉमी पढ़ी हुई है, हमें पता है कि ये ह्यूमन है, हमने एनाटॉमी पढ़ के हमें एनाटॉमी ने बताया हुआ है कि इसका हार्ट इधर होगा, इसके लेफ्ट साइड पे ये चीज होगी, इसके राइट साइड पे ये चीज होगी, तो हम सरफेस देख के हम बता सकते हैं कि इसका ये वाला ऑर्गन इधर है, ये वाला ऑर्गन, तो ये सरफेस एनाटॉमी में सहायता कि हम लोग लोकेट कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को सरफेस ऑफ बॉडी देख कर, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सर्जरी, तो इसकी बहुत ज़्यादा सुप्रीम वैल्यू है किसमें, सर्जरी में और फिजिकल एग्जामिनेशन में। आगे नेक्स्ट पेज में आ जाए, पेज नंबर 15 में, उसमें हम लोग इसकी सेवंथ ब्रांच पढ़ेंगे विच इज अप्लाइड एनाटॉमी। अब हम इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी तो सरफेस ऑफ द बॉडी से हमें पता चल रहा है कि सरफेस देख के हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स को बता सकते हैं। अब अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब है एनाटॉमी को अप्लाई करना, कि हम लोग उसको अब अप्लाई करेंगे। इधर लिखा हुआ है इट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी टू मेडिसिन एंड सर्जरी, डायरेक्ट एप्लीकेशन, हमने फटाफट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, किसका, फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, जितनी भी नॉलेज है हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी की, वो मेडिसिन देकर या उसकी सर्जरी करके हम उसको एनाटॉमी को अब अप्लाई कर रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं या उसकी सर्जरी कर रहे हैं, वो सारी हम एनाटॉमी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी इज यूजुअली कंसर्न्ड विद ह्यूमन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, ये बेसिकली कंसर्न्ड होती है ह्यूमन के स्ट्रक्चर की जो खराबियां होती हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, विच आर यूजफुल इन मेडिसिन स्पेशली इन सर्जिकल टेक्निक बट ऑल्सो इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, बल्कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो हमारी सेवन्थ ब्रांच है, एट्थ ब्रांच है, वो है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, एट्थ ब्रांच है वो है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी से आप लोगों को पता चला ऐसी एनाटॉमी जो रेडिएशन से लिंक हो, रेडियोलॉजी वर्ड रेडिएशन से निकला है, जो रेडिएशन से लिंक हो, इसमें क्या होता है, दिस इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी डेट इंक्लूड द यूज ऑफ सिविरल इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है, कौन सी इमेजिंग टेक्निक्स इमेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, इमेजिंग टेक्निक्स अल्ट्रासाउंड हो सकता है, MRI हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, इन सब की जितनी भी स्ट्रक्चर या एनाटॉमी होगी वो सारा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में हो आएगी। तो अब हमने एनाटॉमी पढ़ लिया, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ लिया और ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी भी पढ़ लिया, ये सारा हमने पेज नंबर 15 पे एक पूरा एक लेक्चर डिलीवर कर दिया है। मैंने आगे हम कल करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ पोजीशन तक, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर आप